तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई स्मैकडाउन के ऊपर पूरी वीडियो आ चुकी है, आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लो। इससे पहले वाली है जहां पे कि हमने कवर किया कि किस तरीके से जेउसो ने रोमन को सुपर किक किया। अब इसके बाद क्या हुआ, स्मैकडाउन तो ऑफ एयर चला गया था, तो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ इसको लेकर WWE ने खुद से ही एक वीडियो ड्रॉप कर दी है। WWE के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाकर चेकआउट कर सकते हो, चाहे वो ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो। तो WWE ने खुद से जो वीडियो डाली है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि रोमन को सुपर किक लगाने के बाद जेउसो एंड जिमीउसो रिंग के बाहर चलते हैं, गले लगते हैं, उसके बाद वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। बचते हैं सोलो सिकोवा रिंग साइड पे, रोमन रेंस रिंग के अंदर, पॉल हेमन रोते हुए रिंग साइड पे। अब ऐसे में रोमन रेंस बेचारे धीरे धीरे उठ रहे होते हैं, शॉक में ही होते हैं। रोमन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेउसो हमें चुनेंगे, लेकिन जेउसो ने तो गेम पलट दिया, उनो रिवर्स कार्ड खेल दिया। अब ऐसे में क्या होता है, रोमन रेंस धीरे धीरे उठ रहे होते हैं रिंग से, इतने में चैंट्स लगने चालू हो जाते हैं फैंस की तरफ से, हैवी चैंट्स यू डिजर्व इट के, मतलब कि फैंस ने भी भाई रोमन के फुल मजे लिए आज स्मैकडाउन में। वो कहते हैं कि तुम तो ये डिजर्व करते हो, बहुत अच्छा हुआ है। तो फैंस मजे ले रहे थे रोमन रेंस के, रोमन रेंस चारों दिशाओं में देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी सुपर किक परा, अभी ये लोग अलग बेइज्जती कर रहे हैं। रोमन अपनी टाइटल पकड़ते हैं, घसीट के निकलते हैं खुद को वहां से, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। एंड जब रोमन रैंप एरिया पे जा रहे होते हैं तो बार बार पीछे मुड़ के वो सोलो सिकोवा को देखते हैं। पॉल हेमन पे नजरें नहीं थी उनकी, सोलो सिकोवा पे ही थी, तो बार बार रोमन पीछे मुड़ के सोलो को देख रहे हैं, सोलो रोमन को देख रहे हैं। उसके बाद रोमन वही शॉक में ओ में वहां से निकलते हैं। एंड कुछ इस तरीके से ये भी WWE की वीडियो जो WWE अपलोड करी कि स्मैकडाउन के बाद क्या हुआ वो खत्म हो जाती है। तो ये कुछ हुआ स्मैकडाउन खत्म होने के बाद। अब ब्लड लाइन की स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखो मेन तो अभी पता चल गया हमें कि मेन बॉटम लाइन क्या है, मेन अब जो होना था वो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि अब कौन बिट्रे करेगा, हाँ सोलो सिकोवा है लेकिन मुझे लगता है कि वो लंबा टाइम लगेगा उसमें। लेकिन अभी मनी इन द बैंक के लिए मैच पूरा सेटअप दिख रहा है, रोमन एंड सोलो वर्सेस जिमीउसो एंड जेउसो यानी कि उसोज। अब यहाँ पे देखना है कि कब ये जो है मैच अनाउंस होगा, आई गेस अगले हफ्ते हो जाएगा। अगर इसके बीच में भी हो जाता है, कोई रिपोर्ट आती है तो मैं आपको बताऊंगा फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो कार्डिटो को लेके अपडेट है, कार्डिटो को लेके हमने एक और अपडेट इससे पहले कवर करी है। एंड इस अपडेट के अंदर हम सब ने जाना है कि कार्डिटो जो है वो WWE के साथ साइन कर चुके हैं, ऐसा डेव मेल्टजर का कहना है। तो 15 जुलाई के लिए कार्डिटो का एक किसी इंडिपेंडेंट रेसलिंग के लिए या फिर किसी ऐसे प्रमोशन के लिए सेगमेंट होने वाला था कुछ, या फिर मैच था, आई डोंट नो क्या था, कुछ तो था जहाँ पर कि वो अपेयर होने वाले थे, लेकिन वो चीज़ कैंसिल कर दी गई। उसके बाद कहा गया कि कार्डिटो ने उस प्रमोशन को, उस प्रोमोटर को कॉल करके बताया कि उसे मैसेज या फिर जो भी कॉन्टैक्ट करके बताया कि वो जो है WWE के साथ साइन कर चुके हैं एंड इस वजह से वो अपीयर नहीं हो पाएंगे, तो वो अपनी बुकिंग कैंसिल कराने के लिए कॉल कर रहे थे, उन्हें टेक्स्ट कर रहे थे या फिर कॉन्टैक्ट कर रहे थे। अब ये चीज़ सिर्फ उसके लिए नहीं करी कार्डिटो ने, ये मल्टीपल प्रोमोटर्स के लिए करी है, मतलब पहले से जो डेट्स असाइंड थे कार्डिटो के, उन डेट्स को कैंसिल करने के लिए, उनकी बुकिंग कैंसिल करने के लिए कार्डिटो ने कॉन्टैक्ट किया है उन प्रोमोटर्स को एंड बताया है कि वो साइन कर चुके हैं WWE के साथ। ये रिपोर्ट है फाइटफुल की तरफ से, सोन रॉस सैप की तरफ से। तो ये कुछ रिपोर्ट है गाइस, एंड इससे स्पॉइलर है ये, बिल्कुल ऐसा पता चल रहा है कि हाँ जो कार्डिटो हैं वो WWE के साथ साइन कर चुके हैं। एंड ये नॉर्मल साइनिंग नहीं है, ये साइनिंग ऐसी है कि कुछ महीने तो कंप्लीट करेंगे ही, क्योंकि बताया गया है कि जून जुलाई अगस्त ये जो महीने हैं यहाँ पे कार्डिटो तो बिल्कुल फ्री हो चुके अपने डेट से, तो इस दौरान कभी भी वो WWE के अंदर आ सकते हैं एंड इसके बाद एक अच्छा खासा रन दे सकते हैं कुछ महीनों का। कुछ एक लंबा रन उनका मिस हो रहा था, पहले रॉयल रंबल 2021 में आए थे, उसके बाद अभी रिसेंट में देखने को मिले थे बैकलेस में, लेकिन वो लॉन्ग वाला जो लॉन्ग टर्म वाला रन होता है जो कि 2-3 महीने का होता है, जैसे ट्रिस्ट स्टेटस देती हैं, वो नहीं दे पा रहे थे। सो अब वो रन वो देते हुए आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, AEW टैलेंट्स की बात करते हैं यानी कि द एलीट की, ये आपको WWE में देखने को मिल सकते हैं जब इनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ खत्म हो जाए, तो अगर ये लोग चाहे तो ऑब्वियसली, क्योंकि WWE जो इनको साइन करना चाह रही है, रिसेंटली रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है कुछ टाइम में AEW के साथ खत्म हो जाएगा, यानी कि कैनी ओमेगा, यंग बक्स और एडम पेज, इनका इनका जो AEW कॉन्ट्रैक्ट है वो लगभग एक साथ ही खत्म होने वाला है। एंड WWE बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानती है, WWE इन लोगों को देख रही है, बहुत अच्छे से नोटिस कर रही है एंड इनको साइन करना चाहती है अपने प्रमोशन के अंदर यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोग वापस से रीसाइन करेंगे AEW के साथ, हो सकता है भाई ये कुछ चीज़ें देखते होंगे AEW के अंदर, इनकी कुछ खुद के पैरामीटर्स होंगे साइन करने के, तो उस हिसाब से ये AEW के साथ साइन कर सकते हैं। लेकिन WWE की नज़रें जरूर है इन पे एंड मेरे हिसाब से WWE अगर साइन कर लेगी तो इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, WWE को हो चाहे नहीं इनको तो जरूर फायदा मिल जाएगा। बाकी वक्त बताएगा कौन कहाँ साइन करता है, कौन कहाँ जाता है। साल 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे सुपरस्टार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड होने वाला है, इस साइड से भी और उस साइड से भी, तो बहुत सारे सुपरस्टार शिप्स जो है वो जंप करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं एंड शायद ये स्टार्ट हो सकती है यंग बक्स, कैनी ओमेगा एंड एडम पेज से। आगे बढ़ते हैं
गाइस अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि ब्रे वायट को लेके। थक चुके हैं गाइस ब्रे वायट की रिटर्न के बारे में बात करते हुए। रेसलमेनिया में उनको आना था, वहां पे मैच नहीं हुआ। उसके बाद से जो गायब हैं ब्रे वायट, अभी तक गायब हैं। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून आ चुका है एंड ब्रे वायट के रिटर्न को लेकर रेगुलरली यही अपडेट्स आ रही है कि वो रेडी हैं, कभी भी आ सकते हैं। एंड एक कोर अपडेट करेंटली ये है कि वो समर स्लैम तक आ जाएंगे, उससे पहले ही आ जाएंगे। ऐसे में गाइस एक और अपडेट निकल के सामने ये आ रही है कि जो ब्रे वायट हैं वो बहुत जल्दी वापस इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि जो WWE है उसने डिसाइड कर लिया है कि जो फायरफ्लाई फन हाउस के प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स इन सेंस ऑफ जो बाकी वो फायरफ्लाई फन हाउस में डॉल्स थी उनकी या फिर जो भी पपेट्स वगैरह थे, वो जो पपेट्स हैं उनको WWE लेके जो है ट्रैवल करना शुरू करने वाली है। रिपोर्ट कहती है फायरफ्लाई फन हाउस प्रॉप्स एंड सम ब्रे प्रॉप्स रिसीव्ड सम माइनर अपडेट्स फॉर मेंटेनेंस, मतलब मेंटेन WWE करने वाली इनको वापस एंड देखने वाली है, रीचेक करने वाली कि सब सही या फिर नहीं है। इट वॉज ऑल्सो मैंशन डेट ऑल फायरफ्लाई फन हाउस प्रॉप्स एंड ब्रे वाइट प्रॉप्स हैव बीन ऑर्डर्ड टू गेट सेटल एंड रेडी टू स्टार्ट ट्रैवलिंग विद WWE प्रोडक्शन एज सुन एज पॉसिबल। तो फायरफ्लाई फन हाउस के पपेट्स वगैरह जो है वो प्रॉप्स एंड ब्रे वाइट के कुछ और प्रॉप्स होंगे आई गेस अंकल हावड़ी या फिर अंकल हार्पर जो भी है, ये सारे प्रॉप्स जो है WWE के साथ ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। WWE ने इन्हें कंसिडर करा है एंड ऑर्डर दिया है कि अब इन्हें तैयार करो कि हमारे साथ ट्रैवल कर सके, इन्हें मेंटेन करो। तो ऐसे में WWE अगर ये सारी चीज़ें करा रही है डैट मीन्स की ब्रे वाइट का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा करीब है। आगे बढ़ते हैं गाइस, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं। मनी इन द बैंक 2023 को है, काफ़ी करीब आ रहा है इवेंट, अभी भी बाकी आधा महीना बट काफ़ी करीब ही बोलेंगे क्योंकि बड़ा इवेंट है तो बड़े इवेंट के लिए बेसब्री काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लंडन UK से है एंड ऑलरेडी UK इवेंट है तो भाई मैसिव इवेंट है। क्या ये सोल्ड आउट हो चुका है? तो बिल्कुल सोल्ड आउट हो चुका है। अपडेट निकल के सामने आया कि इवेंट सोल्ड आउट हो चुका है, अराउंड 20,000 सीट्स अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कंप्लीट सोल्ड आउट हो चुका है। साथ में जो मनी इन द बैंक से पहले का स्मैकडाउन होगा, यहाँ O2 एरेना से ही होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ये भी सोल्ड आउट हो चुका है एंड ये दोनों शोज कंप्लीट सोल्ड आउट है, यानी कि खचाखच क्राउड भरने वाली है एंड कितने फैंस एक्साइटेड हैं ये भी बहुत अच्छे से इससे मालूम चलता है। ऐसे में गाइस इवेंट के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस्ड हैं, जैसे कि सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच जहाँ पे कि वो डिफेंड करेंगे अगेंस्ट फिन बैलर, साथ में जो है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस कोडी रोड्स, प्लस हमें देखने को मिलेगा मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, लोगन पॉल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ब्रॉक लेसनर में भी आ सकते हैं और भी रिटर्न्स हो सकते हैं, मे बी ब्रे वायट, हु नोज। तो ऐसे में मनी इन द बैंक धीरे धीरे तो हाइप इवेंट बन जाएगा, मुझे पूरा बिलीव है। साथ में भी रोमन रेंस का मैच भी ऐड होना बाकी है। अब सवाल है कि मेन इवेंट क्या होगा, क्या रोमन का मैच मेन इवेंट होगा या फिर मनी इन द बैंक लैडर मैच? मोस्ट प्रोबेबली वो रोमन का मैच ही होगा, रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा वर्सेस द उसोज। आप लोग वैसे कौन सा मेन इवेंट देखना चाहोगे कमेंट करके बताना। फिलहाल बेस लाइन बॉटम लाइन ये है कि मनी इन द बैंक सोल्ड आउट है, उससे पहले का स्मैकडाउन भी जो O2 एरेना से है वो कंप्लीट सोल्ड आउट है एंड इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो से मिली हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड थॉट्स कमेंट करके बताना। साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर ले ऑल पे सेट ताकि आने वाले टाइम में आपका सही WWE न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम पे मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।